हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के चलते अटल टनल रोहतांग की दक्षिणी छोर में फंसे करीब 100 वाहनों को 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। वाहनों को सुरक्षित मनाली की ओर भेजने की प्रक्रिया में जिला पुलिस लाहौल स्पीति के 3 वाहनों का प्रयोग किया गया। इसमें थाना प्रभारी केलंग और उनकी टीम के कुल 15 जवान और स्थानीय स्वयंसेवी शामिल थे। बचाव के दौरान जिला लाहौल स्पीति की पुलिस टीम को रात्रि के करीब 1 बज गए। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग में अटल टनल रोहतांग से सिस्सू, कोकसर और दालंग की ओर कुल 5,640 वाहनों की आवाजाही हुई। लाहौल स्पीति में दोपहर समय 2:30 बजे ताज़ा हिमपात शुरू होने से सड़कों पर फिसलन बने होने के कारण वाहनों को तुरंत वापस किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 100 वाहन कुल्लू पुलिस के अधिकार क्षेत्र अटल टनल रोहतांग के दक्षिणी छोर पर जाम लगे होने के कारण अटल टनल रोहतांग के उत्तरी छोर पर फंस गए थे, जिन्हें मनाली की ओर सुरक्षित निकालने में लगभग 8 घंटे का समय लगा। पुलिस ने जिला में आने वाले दिनों में मौसम खराब रहने के अनुमान की सूरत में मनाली केलंग मार्ग की अनावश्यक यात्राओं को स्थगित करने की सलाह दी। किसी भी संबंधित जानकारी के लिए जिला आपदा नियंत्रण कक्ष 9459461355 और जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष 8988092298 पर संपर्क करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।